हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक इजी और सिंपल सी रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पर अभी मैंने तड़का देना शुरू किया है, जिसमें लहसुन डाला है, कड़ी पत्ते डाले हैं, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स भी डाले हैं। अभी मैं उसमें ऑनियन, टमाटर और ग्रीन चिली डाल के थोड़ा सा फ्राई करूँगी। जैसे हम दाल बनाते हैं ना, उसी तरह उसमें कुछ वेजिटेबल्स डाल के मैं ये अभी बना रही हूँ। बहुत ही यम्मी भी ये बनती है और बहुत हेल्दी भी है। यहाँ पर मैं मैगी क्यूब, जो कि वेज का है, मैगी का, वही ऐड कर रही है। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना सिर्फ सॉल्ट ही आप इसमें दे सकते हैं। पर यहाँ पर मैंने एक छोटा सा मैगी क्यूब लिया हुआ है वेज का, और थोड़ा सा सॉल्ट भी मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। अभी थोड़ी सी टर्मरिक मैंने इसमें ऐड की हुई है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मैंने थोड़ा डाला हुआ है, ये भी ऑप्शनल है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सॉटे कर रही हूँ। उसके बाद मैंने आधे घंटे से पहले ना थोड़ी दाल, तुर की दाल मैंने भिगो के रखी थी, और कुछ वेजिटेबल्स भी मैंने कट करके रखे थे। पता नहीं यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ। ओके, पोटैटो मैंने लिया था, और एलिफेंट फूड जो कहते हैं उस वेजिटेबल को मैंने थोड़ा कट किया था, और बिम्बल, जो हम तो यहाँ पर बिम्बली कहते हैं और कई लोग इसे बिम्बली कहते हैं, वो भी मैंने थोड़े कट करके रखे थे। क्योंकि अलग से भी मैं वेजिटेबल बनाती हूँ, पर कभी कभार वो बच्चे नहीं खाते, पर हम यहाँ पर दाल के साथ जब इसे पकाते हैं तो उन्हें खाना ही पड़ता है, ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये सब मैं उसमें ऐड कर देती हूँ, और बहुत जल्दी और बहुत आसानी से ये बनती है। बहुत सारे लोग इसे बनाते होंगे, पर मेरा कुछ इस तरह का तरीका है इसे बनाने का। हाँ, सारी जो सब्जियाँ हैं अब मैंने इसमें ऐड की हुई हैं। अब तुर की दाल भी मैं इसमें डालूंगी, और पानी भी मैं जितना क्वांटिटी में मुझे चाहिए उतना मैं डालूंगी। आपको जितनी क्वांटिटी में डालना है उतना आप थिक भी रख सकते हैं और थोड़ा पतला भी रख सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं उस तरह आप इसे बना सकते हैं। यूजुअली हमारे घर में ना सामान सिर्फ हफ्ते में एक बार ही आता है, वेजिटेबल्स वगैरह। सो घर में थोड़ी सी कोरिएंडर भी बची हुई थी फ्रिज में, तो मुझे अच्छी लगी और मैंने इसे डाल दिया। कोरिएंडर डालने से गार्निशिंग भी बहुत अच्छी दिखती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा सा आता है। अभी मैंने कुकर बंद किया हुआ है, और थोड़ी देर में मैं ना 3 विसिल निकालती हूँ। यहाँ पर मैंने अभी विसिल का वेट कर रही हूँ, और सीटी भी बच गई, ये 3री बार थी। उसके बाद पूरा उसे ठंडा होने के बाद में मैं उसे विसिल को मैं निकालूँगी, कुकर को मैं ओपन करूँगी। बहुत ही आसानी से ये बनती है और बहुत ही हेल्दी भी है। यूजुअली समर सीज़न में तो बहुत लाइट भी रहती है, और बच्चों को भी ना, मैं कभी कभार बच्चे ना ऐसे वेजिटेबल देते हैं वो नहीं खाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कुछ इस तरह से ही दाल के साथ ही उसे बना लेती हूँ। और थोड़ा सा पापड़, पिकल या कर्ड, कभी कभार उसमें थोड़ा कर्ड भी साइड में लगा लेती हूँ, तो वो बहुत अच्छे से खा लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से ये बनती है। थिकनेस, आप जिस तरह से आपको थिकनेस चाहिए उस तरह से आप रखें। अगर पानी थोड़ा ज़्यादा देंगे तो थोड़ी पतली हो जाएगी, थोड़ा सा कम देंगे तो थिकनेस आ जाएगी उसमें चपाती भी आप खा सकते हैं। तो फाइनली यही हमारा लंच था। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।